नवंबर से तब तक मैं मध्य प्रदेश में किसी भवन के अंदर नहीं रहूंगी, क्योंकि लोग बर्बाद हुए हैं शराब और नशे से और घर बार छूटे हैं लोगों के, लोगों को घर बेचने पड़े हैं, लोगों के इलाज के लिए पत्नियों को मंगलसूत्र बेचने पड़े हैं शराबी पति के इलाज के लिए, और उसके मर जाने से या बीमार हो जाने से महिलाओं को दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन लगाने बर्तन साफ करने पड़े हैं। इसलिए मैं दिसंबर एंड तक चलती रहूंगी, इंतजार करूंगी, और ये इंतजार तो चलेगा 31 मार्च तक, क्योंकि ड्राफ्ट बन जाएगा, हो सकता है मुझसे शेयर किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूं सरकार में, जो है वह शिवराज जी मेरा सम्मान करते हैं और उन्होंने एक नैतिक साहस दिखाया है। दूसरा मेरा ये मानना है कि एक्चुअली हमारे देश में एक नियंत्रित शराब वितरण की नीति है ही नहीं, क्योंकि ये राज्य का विषय है, तो राज्य की सरकारें अपने तरीके से जनहित और जन धारणाओं जन भावनाओं की अवहेलना करके भी शराब नीति बना देती है। ऐसे में भाजपा अब देश में आ गई है, भाजपा ने 370 हटाने की बात कही पूरी हुई, राम मंदिर बनाने की बात कही पूरी हुई, भाजपा ने जो वायदे किए वो पूरे हुए, लोग अपेक्षा करते हैं कि भाजपा शराब पर भी नियंत्रण की कोई एक नीति बनाएगी राजनीतिक स्तर पर संगठन के स्तर पर, और वो नीति भाजपा शासित राज्यों को निर्देश दे वो नीति को लागू करे, वो नीति जनहितैषी हो, महिला हितैषी हो, नौजवानों के भविष्य को ध्यान में रख करके हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से शिवराज जी ने इसमें पहल की और एक जन आंदोलन को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और अपने अभियान में बदल दिया उसको, तो हो सकता है कि शायद है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश का ही मामलों में मॉडल स्टेट बना है, तीर्थ दर्शन में, लाडली लक्ष्मी में, कन्या विवाह में, तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश शराब नीति, नई शराब नीति नैतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनी हुई शराब नीति के लिए मध्य प्रदेश एक मॉडल पेश कर दे और अंत में वो मॉडल भाजपा शासित सभी राज्यों पर लागू करने की स्थिति आ जाए, तो ऐसी स्थिति भी आ सकती है। तो अभी तो जब तक मैं ठीक से हठ नहीं पकड़ूंगी और जब तक मैं सड़क पर नहीं रहूंगी, जब तक मैं घर बार नहीं छोड़ूंगी, सुविधा का जीवन नहीं छोड़ूंगी, तब तक वो स्थितियां बनेंगी ही नहीं कि मैं यहाँ की महिलाओं को सम्मान, यहाँ के नौजवानों का भविष्य, यहाँ के मजदूरों के रोजगार, उनके जीवन की रक्षा के लिए अपना कंट्रीब्यूशन कर सकूं। मैं अपने आप को 30 मार्खा नहीं समझती, खुदा नहीं समझती, भगवान नहीं समझती, लेकिन मेरी अगर सामर्थ्य है थोड़ा भी किसी के सहयोग करने की, एक घायल पक्षी को भी उठा लेने की अगर मेरी सामर्थ्य है, मैं तो अपनी सामर्थ्य का पूरा उपयोग करूंगी इसके लिए। इसलिए 7 नवंबर से मैं तब तक घर आवास में रहना छोड़ दूंगी, तब तक के लिए, जब तक कि मैं ये नहीं देख लूंगी कि लोग अब शराब के आतंक से मुक्त होकर महिलाएं घरों में सुख से रह रही हैं, मोहल्लों में आराम से घूम सकती हैं, लड़कियां कॉलेज जा सकती हैं, पूजा करने के लिए मंदिर में जा सकते हैं, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा सकते हैं, प्रेयर करने के लिए चर्च में जा सकते हैं, प्रार्थना करने के लिए चर्च में जा सकते हैं, और पूजा करने के लिए अभिषेक करने के लिए जिनालय में जा सकते हैं, बौद्धालय में जा सकते हैं, स्कूल और अस्पताल के पास, मजदूरों की बस्तियों के पास अब शराब की दुकानें नहीं हैं, इसलिए मजदूर अपनी कमाई अब खर्च नहीं करेंगे और पूरा का पूरा पैसा घर में जाएगा। ये सब चीज़ें सुनिश्चित हो जाएंगी तब मैं घर में रहना शुरू करूंगी। इसके पहले या तो टेंट लगवा लिया करूंगी या घास फूस की कोई झोंपड़ी मिल जाया करेगी तो उसमें रहूंगी, नहीं तो अपन तो पेड़ के नीचे भी रह लेंगे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें नदियों में नहा लेंगे, ये मैंने तय कर लिया है। और ये देव दीपावली जब युद्ध को जीत के आए थे भगवान कार्तिक स्वामी, तो उनने पहला विश्राम मेकल पर्वत पे लिया था अमरकंटक में, वहाँ आकर के बैठ गए थे वो थकान उतारने के लिए, क्योंकि नर्मदा जी उनकी बहन है, तो अपनी बहन दीदी के पास बैठ गए थे वो। मैं भी वहीं जाऊँगी और वहीं से देव दीपावली के दिन से अपना इस प्रकार का जीवन प्रारंभ कर दूँगी, और इस बीच में जहाँ मन होगा वहाँ जाऊँगी, जहाँ खड़ा होना होगा खड़ी हो जाऊँगी, जहाँ बैठना होगा वहाँ बैठ जाऊँगी, जहाँ रहना होगा वहाँ रह जाऊँगी, और इसी प्रकार से आनंद लेंगे। ऐसे मुझे बहुत आनंद आता है।